टैक्स सेविंग करने के लिए हम बहुत से टूल्स यूज करते हैं, उसमें से एक टूल है ELSS यानी इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। ये म्यूचुअल फंड्स की वो स्कीम होते हैं जिसमें इन्वेस्ट करने से हम टैक्स सेविंग कर सकते हैं, यानी सेक्शन 80C के अंडर ये आते हैं। अब ELSS में इन्वेस्ट करते समय किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्या करें और क्या ना करें, आइए जान लेते हैं। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे क्या ना करें। पहला, डोंट लुक फॉर द शॉर्ट टर्म रिटर्न्स। देखिए, ELSS मिनिमम 3 ईयर्स का लॉक इन होता है। जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं उसके 3 साल से पहले हम इसमें से विड्रॉ नहीं कर सकते, तो हमें 1 ईयर, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, इतनी शॉर्ट टर्म रिटर्न्स इसकी नहीं देखनी चाहिए। स्कीम सिलेक्ट करते समय हमें कुछ रोलिंग रिटर्न्स पे ध्यान देना चाहिए एंड पोर्टफोलियो पे ध्यान देना चाहिए कि एक्चुअली ये स्कीम इन्वेस्ट कहाँ कर रही है। सेकेंड, रिडम्पशन इमीडिएटली लॉक इन पीरियड के बाद ना करें। कई बार हमें लगता है 3 साल पूरे हो गए, चलो यार अब इसको हम फटाफट पैसे निकाल लेते हैं और कहीं और यूज करेंगे, तो और ज्यादा बेनिफिट ELSS का मतलब है इक्विटी स्कीम्स। इक्विटी स्कीम्स का बेनिफिट लेने के लिए हम इसे और लंबा रखें तो और ज्यादा ये हमें बेनिफिट देगा। थर्ड, नो नीड टू चूज द डिविडेंड ऑप्शन। ELSS में डिविडेंड ऑप्शन होता है, उसमें हम जितना इन्वेस्ट करते हैं उसमें से कुछ पैसा हमें बीच बीच में वापस मिल जाता है, पर हमारा टैक्स सेविंग का ऑब्जेक्टिव है सेविंग करना, तो इसलिए बीच में डिविडेंड लेने की इच्छा ना रखें और डिविडेंड ऑप्शन को चूज ना करें। अब बात करते हैं क्या करें। नंबर 1, स्टार्ट अर्ली। हमें वेट नहीं करनी चाहिए कि कब हमारा एम्प्लॉयर हमें कहेगा कि आपने टैक्स सेविंग पूरी कर ली है तो मुझे डिटेल्स दे दो, तो और हम नहीं तो टैक्स कट जाएगा। उस समय की वेट नहीं करनी, स्टार्ट कर सकते हैं हम फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में ही, यानी अप्रैल से ही हम धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ELSS में थ्रू SIP रूट। इट विल हेल्प अस टू डिस्ट्रीब्यूट आवर इन्वेस्टमेंट और एकदम से हमारे ऊपर बर्डन भी नहीं आएगा कि एकदम हमें सारी ELSS एक ही टाइम पे करनी पड़ गई। नेक्स्ट जो बात करने जा रहे हैं वो है चेक योर रिस्क एपेटाइट। अब रिस्क के अकॉर्डिंग आप अपना प्लान चूज करें। हमें अपना रिस्क एपेटाइट चेक कर लेना चाहिए। आमतौर पर हमें ये पता है कि ELSS जो हैं वो 100% इक्विटी होते हैं, बट देयर आर सम ELSS जो रिटायरमेंट फंड के नाम से जाने जाते हैं जिसमें इक्विटी पोर्शन कम होता है। अगर हमारा रिस्क एपेटाइट 100% इक्विटी का नहीं है तो हम उस तरह के रिटायरमेंट फंड्स में जा सकते हैं। इन रिटायरमेंट फंड्स में लॉक इन 3 साल की बजाय 5 साल का होगा। और क्या करें, ELSS को हमेशा किसी गोल के साथ अटैच कर लें। मतलब 5 साल के बाद बच्चे की एजुकेशन का टाइम है या घर पेंट करवाना है, गाड़ी बदलनी है, इस तरह से किसी गोल के साथ हम ELSS को जोड़ सकते हैं। इट विल वेरी हेल्पफुल फॉर अस। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।